तैयार हो गया मेरा बेटा। गेम खेलेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो 80-90 पूरे 100। जल्दी जल्दी आकर। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो 80-90 पूरे 100। ये वाला मैं करूं? हाँ हाँ। तो रहने दे। तेरी तबीयत अभी थोड़ी सी खराब है ना? अरे जब ठीक हो जाएगा तभी तू बोलना ना। अनी तू? आई, आपको पता है? आप ना बहुत अच्छी हो। आप ना मेरे साथ रहना। हाँ, मुझे छोड़ना मत। नहीं रे बाबा, मैं तेरे को कभी भी नहीं छोड़ेगी, इधर ही रहेगी हमेशा। तेरे पास चल आता जोपा। पापा को ये किस पसंद आएगा ना बुआ? ऑफ कोर्स, क्यों पसंद नहीं आएगा? हम कान पकड़ के उनसे पसंद करवाएंगे। जी तो लगता है हमारे जाने तक पापा ठीक हो जाएंगे और फिर हम सब एक साथ दिवाली बनाएंगे, घर की सारी लाइट जगाएंगे। पापा, घर पहुंचने से पहले प्लीज कोई चमत्कार कर दो, इस बच्ची की इच्छा पूरी कर दो पापा, प्लीज। बुआ, आप रुक क्यों गए? पापा हमारा वेट कर रहे होंगे, चलो चलते हैं। हाँ, एक सेकेंड, एक फोन कर लूँ मैं, प्लीज। क्या हुआ बुआ? अन्नी फोन नहीं उठा रहा है, मैं किशोर जी को फोन करती हूँ। अरे घर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे आप भूल गए बुआ, घर पे पूजा हो रही है और आपको मम्मा का तो पता ही है ना, मम्मा किसी को बीच में उठने नहीं देती। हाँ चलो हम घर चलते। सॉरी, ये लड़की आई है ना, ये लड़की नॉर्मल नहीं है, ये लड़की मर चुकी है। सुरी, मैंने तुमसे कहा था ये लड़की नॉर्मल नहीं है, ये आत्मा है, आत्मा खुलासा है लड़की। क्यों ताई के चक्रव्यूह में बार बार फंस जाते हैं हम? बाहर निकलते ही हमें फिर से खींच कर फंसा लेती है। आप उन्हें ऐसा क्यों करने दे रहे हैं पापा? क्यों, क्या बिगाड़ा है मेरे कर्तव्य आपका? क्यों आप हमारे रिश्ते की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? क्या पहले ही हम लोगों ने कम भुगता है जो आप ये सब हमारे साथ कर रहे हैं पापा? क्यों कर रहे हैं पापा ऐसे, क्यों? सुरभि, डॉक्टर साहब आ गए। देखिए, हालत में पहले से तो सुधार है, पर जिस तरह से आपने मुझे इनके बर्ताव के बारे में बताया, उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज से बहुत डरे हुए हैं, गहरा सदमा पहुंचा है या फिर मेंटली टॉर्चर किया गया इन पर।
इन्हें कुछ भी याद नहीं है, आप लोग भी नहीं, और इनके दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अच्छा हुआ कि आप इनसे बहुत ध्यान से और बहुत सब्र से पेश आए, और ऐसी कोई बात ना करें जिनसे इन्हें गुस्सा आ जाए, नहीं तो कोई नस भी फट सकती है इनके दिमाग की। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं है, मैं देखभाल करेगी अपने बेटे की। कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा लेना और टाइम से देते रहना। जी। आवाज ऊंची मत करना, मेरा बेटा सो रहा है। तेरे को जो चिल्लाने का है, जो गुस्सा करने का है, मेरे को करना, पर इधर नहीं, बाहर जाके। इसे सुरभि नफरत करता है, काट दिया तेरी सूरत से, मेरे से भी ज्यादा। किधर उसने तेरे को इधर वापस से देख लिया ना, तो उसको फिर से पागलपन का दौरा चढ़ जाएगा। फिर याद है ना डॉक्टर साहब ने क्या बोला, उसके दिमाग की नस फट सकती है। मंजे मंजे तेरा कार्तिया मर भी सकता है। कार्तिया के लिए मेरे को लगता है बेहतर यही है कि वो तेरे साथ साथ अपने पहले की सारी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाए। कचरे में फेंक देना इसको। तेरे दिमाग में इस वक्त भूचाल चल रहा होगा ना कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे किया ताई ने ये सब। थाम गा, बताए कि मैं सबको सब कुछ बताई। कार्तिया के साथ जो कुछ भी मैंने किया है उसका अंदाजा तो तुम लोग को अब तक लग ही गया होगा। हाँ, देखिए, रुक ना रे बाबा, रुक। मेरा मजा खराब करने पर तुली हुई है। आज सिर्फ ताई बोलेगी। मेरी नफरत इस परिवार से, कार्तिया से और इस सुरभि से जेल में बिताए वक्त के साथ बढ़ती ही गई। पहले तेरे बाप की वजह से मेरे पति की मौत हुई, फिर शादी करके ये इस घर में आई और मेरे अपनों को भड़का कर मेरे खिलाफ किया इसने। इस पर बात पैसा दौलत संपत्ति की नहीं है सुरभि, वन टू वन आई इस बात। मेरा सब कुछ छीन कर जो दर्द तूने मेरे को दिया है ना, वही दर्द मैंने तेरे को दिया। तेरा पति तेरी नजरों के सामने है पर फिर भी तेरे को पहचानने से इनकार करता है। अब पता चला कि अपनों से अलग होने का दर्द कैसे होता है। तेरे को सबक सिखाने के वास्ते ये सब किया है मैंने, और वो आत्मा इच्छा कह रहे अन्नी, हाँ, इससे एकदम लट्टू हो गया था तू वो इच्छा को देखते ही। ये बाबा, वो तेरी लव स्टोरी वाली लड़की, वो इच्छा जेल में मेरी पार्टनर थी। बोले तो चोर, मेरे पार्टनर और मैंने ना ऐसे 4 महीने बोले तो एकदम मजे में काटे। पंचायला मेरे को जैसे ही मालूम पड़ा ना कि वो मेरे से पहले छूटने वाली है, फिर मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ। मिलकर उसके साथ मैंने एक प्लानिंग की, सोचा इस पर कुछ हटके करेगी मैं। चाइला उसको आत्मा बना के कार्तिया के पीछे लगा दी। बेचारा मेरा कार्तिया बहुत बोला ही रहे, एकदम दयालु है। मालूम था मेरे को ऐसे सुनसान अंधेरी रात में किसी लड़की को देखेगा तो उसकी मदद करेगा, उसको लिफ्ट देगा,
ऐसे लेडीज लोग को अंधेरे में अकेले में छोड़ के नहीं जाएगा वो गाड़ी में बैठी और मेरी कहानी शुरू। इच्छा ने कार्तिया को बोला कि वो एक आत्मा है। पंचायला फिर तू बाजी मार गई। यकीन दिला दिया तूने कार्तिया को कि वो कोई आत्मा वात्मा नहीं पंचोर है। फिर मैंने अपने दिमाग को झंझोड़ा, फिर एक नई चाल चली। अनिच्छा के बाप को भेजा मैंने कार्तिया के पीछे और वो उसको लेकर गया वापस उस घर के अंदर। कल वाले रास्ते से आ रहा था कि मेरी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा सा आदमी आया। मेरे ख्याल से वो लड़की अकेली नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए, उसके साथ पूरा गैंग है। और वो जो पुलिस वाले थे उन लोग ने भी कार्तिया के शक को पक्का कर दिया कि चाइला वो इच्छा का आत्मा ही है। इस इलाके के लोगों का कहना है कि इस घर के इर्द गिर्द इसकी रूह भटकती रहती है। और वो पुलिस वाले नहीं थे रे, नहीं वो तो वो इच्छा की पूरी टोली थी जो एक साथ जेल से बाहर निकली थी। तेरे वो घर में पहुंचने से पहले उन लोगों ने सब कुछ साफ बीफ कर दिया, तभी करके तेरे को उधर कुछ मिला ही नहीं। कार्तिया को मैं माया जाल में फंसाती रही और इस सब काम में मेरी मदद की मेरी बिंदु ने। वो इच्छा ने ना कंप्यूटर पर ऐसे झूठ मूठ की आत्मा भी बनाई थी रे। हाँ वो उसको क्या बोल रहे थे वो लोग इंग्लिश में, ऐसे कुछ गिराम कुछ ऐसा होलोग्राम कुछ होता ही ना, तेरे को मालूम होगा किशोर, ऐसा कुछ उन लोग ने किया। अच्छा गाँव सब लोग देखकर पागल हो गए। अनपढ़ ताई ने सब पढ़े लिखों को बेवकूफ बना दिया। सुरभी तेरे को भी। और ये मेरा लाडला, मेरी आंख का तारा, मेरा अन्नी, एक बार भी मिलने को नहीं आया अपनी ताई से जेल में। सुरभी इसको मालूम नहीं था रे, इसको क्या खबर कि कार्तिक उस इच्छा को देकर ऐसे बौखला जाएगा। यानी उस दिन जब वो ड्राइवर लेकर आया था ना कार्तिक को इधर, तभी वो इच्छा एकदम चुपचाप फटाफट जाके गाड़ी में बैठ गई। हाँ कार्तिक उसको देखकर एकदम पगला गया, बेचारा चीखता रहा बोलता रहा तुम लोगों को कि वो इच्छा थी गाड़ी में, पर तुम लोगों ने उसकी एक नहीं मानी। कैसे मानते, कारण वो इच्छा तो इधर ही थी ना तुम लोगों के साथ इस घर में, तो तुम लोग भी अपनी जगह सही थे। और फिर कार्तिया ने याद है बोला उसको इधर बप्पा के मंदिर में जाने को, याद है कि नहीं कि उसके पैर जले हुए, ऐसा कुछ बोला था उसने, जले हुए थे उसके पैर एकदम बरोबर बोला था, क्योंकि उसने वाइट्स देखा था, वो पैर जले थे पर नकली, ये भी ताई की करामा थी। उस बात पे भी तुम लोग ने उस बेचारे पर विश्वास नहीं किया और उस दिन पहली बार कार्तिया धीरे धीरे येड़ा होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी सुरभि ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। अटूट विश्वास है तुम दोनों के बीच में, दिखता है। फिर क्या, फिर वो इच्छा ने तुम सबको एक नशीली दवा पिलाई यानी सुला दिया। और उधर कार्तिया को वो धमकाती रही, डराती रही कि अगर कार्तिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके परिवार को मार डालेगी। अब तुम देखना, एक एक करके मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी, तुम्हारी सुरभी को भी, और इसकी शुरुआत तुम्हारी बेटी से होगी। बेचारा कार्तिया मरता क्या ना करता, अपने परिवार को बचाने के वास्ते बलि का बकरा बनने के लिए राजी हो गया। नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी पर जरा सी भी आंच आए। अमावस की रात में वो एक आत्मा से शादी करने को तैयार हो गया। सोच
शेखावत, चाइना ये तुम लोग की लव स्टोरी। पर मैंने जो कुछ भी किया है ना, बहुत दिमाग लगा के किया है। कारण तेरे को मैंने सबसे पहले बिजी कर दिया। हाँ, कारण तू फालतू बैठी रहती ना तो ऐसे कार्तिया के पीछे वो फालतू कुत्ता नहीं होता है। ऐसे करते करते उसके पीछे पीछे जाती, इसलिए फिर मैंने एक जाल रचा, तेरे को मजबूर किया कि तू मेरे को जेल में आकर मिले, और तेरा शक पैदा किया मैंने इस अन्नी पर। हाँ, बिंदु आई थी मेरे को मिलने को, तो मैं उसको बोली जाने से पहले रजिस्टर में अपना नहीं अनिकेत का नाम लिखने का। ताकि तेरा ध्यान अनिकेत की तरफ भटके, तब तक मैं कार्तिया की शादी इच्छा के साथ करवा देती। पर तेरी तो मैं तो उधर भी आ गई। पर अफसोस, तू कुछ नहीं कर पाई, नहीं बचा सकी तू कार्तिया को। वो इच्छा ऐसे जबरदस्ती बोले तो झूठ मूठ के उस आत्मा ने फेरे ले लिए तेरे कार्तिया के साथ, और से डरा धमका के। हाँ, तेरे को बहुत जख्मी किया हम लोग ने कि तू किसी भी सूरत में कार्तिया तक ना पहुंच सके। चाहला उस दिन तेरे को आग में जलता देख कार्तिया तो गारंटीड आधा पागल हो गया होगा। हक्का घर जल गया सुरभि, पर तेरे को ताई ने बचाया। इससे पहले कि तेरे को कुछ भी हो, मैंने वो आग बुझा दी, कारण मैं तेरे को मारना नहीं चाहती थी। मैं तो तेरे को बस तड़पाना चाहती थी, आगे भी और तड़पाएगी मैं तेरे को। इससे पहले कि तेरे को कुछ भी हो, मैंने वो आग बुझा दी, कारण मैं तेरे को मारना नहीं चाहती थी। मैं तो तेरे को बस तड़पाना चाहती थी, आगे भी और तड़पाएगी मैं तेरे को। अभी क्या बताऊं मैं सुरभि, वो नकली शादी के बाद ना वो चाइला इच्छा ने बहुत सताया कार्तिया को। पर तेरे को मालूम है वो कंप्यूटर पे वो जो होलोग्राम फोटो था ना, वो देखकर कार्तिया मानने लग गया कि चाइला इच्छा आत्मा है। कार्तिक, अपने इंसानों की दुनिया की है इतना ही वो। हाँ, उसको ये लगा कि इच्छा यानी कि वो आत्मा इधर आई है ताकि वो कार्तिया को उनकी दुनिया में ले जाए, पर असल में वो इच्छा कार्तिया को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही थी, बिजली के झटके। हमने कार्तिया को खाने को भी कुछ नहीं दिया, मुझे इतना दिया कि वो जिंदा रहे, पर पेट ना भरे उसका। सोने भी नहीं दिया उसको हम लोग ने ठीक से, काफी था। ऐसे ही धीरे धीरे वो हम लोग के बिछाए माया जाल में फंसता रहा, और इधर बिंदु तेरे को दवा दे देकर एक हफ्ते तक बेहोश रखा उसने। बस वो एक हफ्ता बहुत था हम लोग के लिए अपना काम पूरा करने के वास्ते। और जिस दिन मेरे को ये यकीन हो गया ना कि कार्तिया का दिमाग पूरी तरह से हिल गया और वो पूरी तरह से तेरे को भूल चुका है, उस दिन मैं कमला दिगंबर बरवे उधर पहुंच गई, अनि देवी मां बनकर उसको आत्मा से बचाने के वास्ते। कार्तिया को लगा कि मैं उसको बचाई है वो आत्मा से। कार्तिया की आई बनकर उस आत्मा को मार दिया मैंने, ऐसा उसको लगा। क्यों, बहुत रक्षक बनती है ना तू अपने पति की। देख अब ये भक्षक कैसे रक्षक बनकर तुम सबको मारेगा। ये तेरे बप्पा बहुत मदद करते हैं ना तेरी, तेरे रक्षक बनते हैं ना ये, इसलिए मैंने इस बार भगवान की मदद इतना ही ली, सीधा शैतान का सहारा लिया। अनि शैतान के खिलाफ खुद भगवान बनके मैंने कार्तिया को बचाया। प्यारे सुरभि,
तेरा कार्टिया तो तेरे को भूल गया रे। हाँ, इससे बड़ी सजा तेरे लिए और क्या हो सकती है? जिस लव स्टोरी की मिसाल देती थी ना तू दुनिया को, तेरी लव स्टोरी तो इधर ही फिनिश हो गई रे बाबू।